एमडीकेट बायोलॉजी में हम किंगडम मोनेरा पे बात कर रहे थे। इससे पहले हमारे इस पे 2 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें हमने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, ओरिजन, साइज, शेप्स वगैरह बैक्टीरिया डिस्कस कर ली थी। और फिर हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया। और इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी जो कॉमन है पॉजिटिव नेगेटिव में, और डायग्रामेटिकली उसका हमने देखा था कि उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा इसमें थर्ड लेक्चर है और टॉपिक हमारा वही चल रहा है, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का। और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम पूरे का पूरा सेल स्ट्रक्चर जो है इसका डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब इसमें कुछ ऑर्गेनल्स हैं, उनको एक एक करके हम देखते हैं कि उनमें क्या वेरिएशन है या अदर ऑर्गेनिज्म से कैसे वो वेरी करती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। अब यूकेरियोट्स की सेल की तरह इनके अंदर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सेल वॉल के नीचे होती है। एक तो आपको ये पता है कि सेल वॉल से नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दूसरा, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो डिफरेंस होता है यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के नस्बत, तो इसमें स्टीरोल नहीं होते, दे लैक स्टीरोल, या जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोलेस्ट्रोल, इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ये आपने बात याद रख। दूसरा, इसके अंदर एक कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है जो कि यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते, वो ये कि इसमें रेस्पिरेटरी इंजाइम्स होते हैं। ये वो पार्ट है जो कि यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते। तो इसमें रेस्पिरेशन सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, या स्पेसिफिकली अगर आप जानते हैं प्रोसेस, हमने सेलुलर इसके अंदर बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा था और वो था प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस। तो याद रखना है कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन में केमियोस्मोसिस होती है, और केमियोस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा था, प्रोटॉन पंपिंग। तो प्रोटॉन पंपिंग जो है इसके अंदर अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर प्रोटीन पंपिंग होगी। तो ये आपको इसमें जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। एक तो ये मेम्ब्रेन इसमें आ गई। दूसरा जो है वो अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि एक इनवेरिएबल है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो बाकी जैसे हमने अदर सेल में आप जानते हैं साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, लेकिन साइटोप्लाज्म में यहाँ जो डिफरेंस होता है वो ये है कि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नहीं है। जैसे बाकी यूकेरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नहीं है। और दूसरा, हम जानते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियॉइड होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियॉइड जो है वो आप जानते हैं एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर जो कि आप एक क्रोमोसोम कह सकते हैं, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है और इसमें कोई भी जो है वो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा, यहाँ एक तो टर्म है जो आपने याद रखनी, जैसे एक टर्म यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ प्रोटोप्लास्ट, तो प्रोटोप्लास्ट एक तो वर्ड होता है प्रोटोप्लाज्म यूज, एक वर्ड होता है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट होता है ये सेल मेम्ब्रेन प्लस एवरीथिंग इनसाइड द सेल, जो भी चीज सेल के अंदर है इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को निकाल देंगे अगर वो सेल के अंदर जो चीजें होंगी उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। तो ये एक दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे जो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियॉइड। जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की, न्यूक्लियॉइड के कुछ और नाम भी हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियर बॉडी वर्ड भी यूज होता है, या एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है क्रोमाटिन मटेरियल, क्रोमाटिन मटेरियल ये भी वर्ड इसके लिए, या न्यूक्लियर एरिया भी कह सकते हैं। ये कुछ नाम इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, न्यूक्लियर एरिया। तो ये चार पांच चीजें इसके लिए यूज हो सकती हैं। अब ये जो न्यूक्लियॉइड होता है यहाँ पर, जैसे हमने इससे पहले बात की कि ये प्रेजेंट कहाँ पर है, एक तो ये पूछा जा सकता है, तो आपने बताना है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियॉइड। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियॉइड के अंदर इसमें एक सिंगल लार्ज सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, सिंगल लार्ज सर्कुलर क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम होता है, ये सेल जो होता है, ये हैप्लॉइड सेल होता है। एक आपने याद रखना है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो हैप्लॉइड है, ठीक है, या बैक्टीरिया एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। एक इसमें आपने इंपॉर्टेंट ये,
दूसरा, अगर हमने इसके माइक्रोस्कोप को देखना है, तो माइक्रोस्कोप को देखने के लिए हम इसके माइक्रोस्कोप से इसके क्रोमोसोम को देखने के लिए हम एक स्टेन यूज करते हैं, ये सवाल आ सकता है। और उस स्टेन का नाम जो है वो है फ्यूजन स्टेन या फ्यूजन डाई, ये हम इसमें एक स्टेन के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो न्यूक्लियर डीएनए आप जानते हैं, सारी की सारी ग्रोथ को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। एक बैक्टीरिया जिसको एज ए एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि इसका जो न्यूक्लियॉइड होता है उसका साइज क्या है, तो जब उसकी हमने कंबाइंड लेंथ देखी तो उसका साइज जो है वो 14,000 माइक्रोमीटर है। ये न्यूक्लियॉइड के साइज की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियॉइड। और अभी देखें कि ये न्यूक्लियॉइड है दैट फिट इनटू दैट बैक्टीरिया। और इकोलाई का हमने साइज देखा था, मैक्सिमम इसका साइज 2-6 माइक्रोमीटर होता है, तो ये क्वाइल्ड करके इसके अंदर इस तरह से प्रेजेंट होता है, तो ये इसमें न्यूक्लियॉइड। और इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद हम अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो है दैट इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी एक तो वो डीएनए होता है जो क्रोमोसोम के अंदर है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये आपने बात याद रखनी। ये सर्कुलर होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, ठीक है। और साथ हम जानते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन होती है। और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह के लिए एसेंशियल नहीं है। इसकी एक प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड की, तो हम जानते हैं कि इसके अंदर जीन्स होते हैं। इसमें जो जीन्स होते हैं वो डिजीज रेजिस्टेंस है, और इसी तरह से वो ड्रग रेजिस्टेंस भी होते हैं, यानी कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह का जो अटैक होता है उसके लिए ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड। और क्योंकि ये एक वेरिएबल स्ट्रक्चर है, इससे पहले हमने बात की थी इसमें कि प्लाज्मिड जो होता है वो जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जिसमें नहीं होता उसको एफ नेगेटिव कहते हैं। कॉन्जुगेशन के दौरान एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और प्लाज्मिड जो है इसको एक वेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, वेक्टर इन द जेनेटिक रिसर्च, तो ये सवाल भी इसमें पूछा जा सकता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो के यहाँ आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रक्चर बनाए बैक्टीरिया के अंदर, तो राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है और अदर यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन फर्क ये होता है कि जो बैक्टीरिया का हमारे पास राइबोसोम है, दिस इज स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम से ये स्मॉल होता है। और इसका साइज जो है, या जो इसका हम कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूजेशन में सेडिमेंटेशन रेट जो इसका होता है, ये हम इसको 70S कहते हैं। और इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक 50S और एक इसके अंदर जो है वो 30S होता है। बाकी कंपोजिशन इसकी वही है जो कि वहां पर होती है, कि इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है प्लस इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये इसकी कंपोजिशन है। और बाकी जो इसका फंक्शन है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि यूकेरियोट के अंदर आपने पढ़ा कि ये ट्रांसलेशन के अंदर रोल प्ले करता है, और ट्रांसलेशन जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये इसमें इसका फंक्शन जो है वो पूछा जा सकता है। इसके बाद हम फर्दर अगर स्ट्रक्चर देखें बैक्टीरिया में, 6th नंबर पे हम आ जाए, तो एक स्ट्रक्चर इसमें होता है मीसोसोम। मीसोसोम के बारे में सवाल आ सकता है, मीसोसोम जो है दैट इज द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेशन होती हैं। और इन्वेजिनेशन होती हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म में होती हैं, ये इन्वेजिनेशन आपको वेजिकल की फॉर्म में भी मिल सकती है, ये आपको वेजिकल्स के साथ साथ ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी मिल सकती है, या आपको ये इन्वेजिनेशन जो है वो लैमेलीज की फॉर्म में भी मिल सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेजिनेशन इन्वेजिनेशन होती है। इसका फंक्शन क्या है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसका फंक्शन ये है कि एक तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर रोल प्ले करता है, इसमें इंजाइम्स भी होते हैं, और साथ इसका डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर रोल है, फिर सेल डिवीजन के अंदर भी ये रोल प्ले करता है मीसोसोम, और इसके अलावा
जो एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स होते हैं उनको भी रिमूव करने का काम करता है, यानी एक्सोसेलुलर इंजाइम, सेल से बाहर कुछ इंजाइम्स भेजने होते बैक्टीरिया ने, उसके अंदर ये रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है कि इसमें रेस्पिरेटरी इंजाइम्स भी होते हैं, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें रेस्पिरेटरी इंजाइम्स भी हैं और रेस्पिरेशन के अंदर भी ये रोल प्ले करेगा। तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, इसमें लर्न कर लेना है। सेवंथ जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज द स्टोरेज बॉडीज, या इनके लिए वर्ड हम यूज करते हैं ग्रेन्यूल्स, ये भी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत से ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जब इसको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, इन्हीं को हम स्टोरेज बॉडीज कहते हैं। तो लेकिन आपने याद ये रखना है कि जो न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज है वो किस किस फॉर्म में बैक्टीरिया के अंदर हो सकती है। तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, उसमें बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स को ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी स्टोर कर सकता है, इसके अलावा बैक्टीरिया फैट्स की फॉर्म में भी स्टोर कर सकता है न्यूट्रिएंट्स को, इसी तरह से बैक्टीरिया में न्यूट्रिएंट्स सल्फर की फॉर्म में भी स्टोर हो सकते हैं, और इसके साथ साथ बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स को फॉस्फेट्स की फॉर्म में भी स्टोर कर सकता है। तो ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी होती है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया में कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है, ये भी आ सकता है सवाल, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो कौन कौन सा प्रोड्यूस होता है। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल के अंदर इसमें जो चीजें रिमूव करते हैं उसमें अल्कोहल है, इसी तरह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और एसिटिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, या वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं, जो कि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर सम टाइम ये होता है कि इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, यानी हालात जो है वो इतने साजगार नहीं रहते, तो उसके रिजल्ट में ये कुछ मेटाबॉलिकली डोरमेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, डोरमेंट स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप होते हैं। और इन डोरमेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने दो स्ट्रक्चर्स की बात करनी है, एक बैक्टीरिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं और दूसरे बैक्टीरिया में सिस्ट बनते हैं। स्पोर और सिस्ट जो है वो किस तरह से बनते हैं। अब जो स्पोर्स हैं और सिस्ट हैं, इनमें सबसे पहले तो हम ये देखें कि रेजिस्टेंस जो होती है वो स्पोर्स के लिए किन किन चीजों के लिए होगी। तो स्पोर्स में रेजिस्टेंस होती है तकरीबन हर तरह की जो अनफेवरेबल कंडीशन इन्वायरमेंट होती हैं, जैसा कि लाइट के लिए भी इसमें रेजिस्टेंस होती है, और अगर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया तो भी ये रेजिस्ट करते हैं। डेसिकेशन, 900 वाटर को कहते हैं, पीएच के लिए रेजिस्टेंस होती है, और बहुत से और केमिकल एजेंट्स जो होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस होती है। तो याद रखना है कि ये तकरीबन हर तरह के इन्वायरमेंट के लिए रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी दो फॉर्म होती हैं स्पोर्स की, एक एग्जोस्पोर्स होते हैं। अब एग्जोस्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि वेजिटेटिव सेल्स के बाहर की तरफ बनते हैं, एक्सटर्नल टू द वेजिटेटल सेल्स, ये बाहर की तरफ है। अब दूसरे जो होते हैं वो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर की तरफ बनते हैं, उनको हम एंडोस्पोर्स कहते हैं, दैट प्रोड्यूस्ड इनर टू वेजिटेटिव सेल्स, ये अंदर की तरफ बनते हैं, ठीक है। और एंडोस्पोर्स होते हैं जैसे मैंने कहा कि उनमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है तकरीबन हर तरह की इन्वायरमेंट के लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं, और ये रेजिस्टेंस जो इनमें होती है दैट मे सर्वाइव फॉर इयर्स, यानी साल हो साल तक इनके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो ये डिवेलप करते हैं। और फिर जैसे ही जो है वो फेवरेबल कंडीशन वापस आती हैं तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब यही है कि अनफेवरेबल के में ये सर्वाइव करेंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आती है ये जर्मिनेट कर जाते हैं। अब जो स्पोर्स बनते हैं, याद रखना है कि नॉर्मली स्पोर्स और डिवेलप्ड एट लेट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ की या डेवलपमेंट की लेट स्टेजेस के अंदर स्पोर बनते हैं, ये एक उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि हमने सिस्ट के साथ इसको कंपेयर भी करना है।
अब जैसे मैंने बताया कि सिस्ट होते हैं, ये भी डोरमेंट स्ट्रक्चर है, ये थिक वॉल्ड होते हैं, थिक वॉल्ड है, और इसके लिए मेनली जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज फॉर डेसिकेशन, ये डेसिकेशन के लिए ये बनते हैं, लेकिन इनमें हीट के लिए रेजिस्टेंस नहीं होती। ये इनमें एक डिफरेंस, जो कि एक मेजर डिफरेंस आपको इनके अंदर मिलता है। और साथ ही अगर हम सिस्ट देखें तो ये डिवेलप होते हैं एट अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ की अर्ली स्टेजेस पे डिवेलप होते हैं। तो ये दो तरह के जो डोरमेंट स्ट्रक्चर्स हैं ये आपने इसमें याद रखने हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम कुछ बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लें कि किन के अंदर स्पोर बनते हैं, किसमें सिस्ट बनते हैं, तो एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है अगर आपसे पूछ लिया जाए, और वो है अजोटोबैक्टर। इसमें बहुत कॉमन जो है वो सिस्ट बनते हैं। और एक और कॉमन बैक्टीरिया जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, वो आप यहाँ पे लिख लें, एग्जाम्पल दे लेंगे, दैट इज द एक्टिनोमाइसिटीज। इनके अंदर ज्यादा कॉमनली हम देखते हैं कि सिस्ट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और मुख्तलिफ तरह के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपने जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। उसके बाद फिर हमारा जो मेन कंसर्न है अगले टॉपिक पे जो चलते हैं वो बैक्टीरिया का कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत से डिजीजेस कॉज करते हैं, तो इसमें दो तरह से कंट्रोल जो है वो किया जाता है। तो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में एक जो है वो उसको कहते हैं फिजिकल कंट्रोल, और दूसरा जो मेथड इसके अंदर है दैट इज कॉल्ड द केमिकल कंट्रोल। तो दोनों पे हमने बात करनी है कि सवाल किस तरह से आ सकता है, फिजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल जो होता है उसमें हम देखते हैं कि फिजिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया। अब फिजिकल एजेंट्स में वो कौन से हैं जो कि यूज होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हीट कर लेते हैं, स्टीम कर सकते हैं, फिर रेडिएशंस को यूज करना, फिर फिल्ट्रेशन जो है, तो ये सारे मेथड जो है ये फिजिकल एजेंट्स हैं। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ओवरऑल, जब हम फिजिकल मेथड्स को यूज करते हैं बैक्टीरिया कंट्रोल करने के लिए, दैट इज द स्टेरिलाइजेशन, इसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें फिजिकल एजेंट्स पे हमने बात करनी है कि कौन कौन से फिजिकल एजेंट्स हैं और किस तरह से ये अफेक्टिव होते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हीट करते हैं बैक्टीरिया को, तो हीट में ड्राई हीट भी होती है और इसी तरह से मॉइस्ट हीट भी यूज करते हैं। अब इसमें जो ड्राई हीट होती है, ड्राई हीट किस तरह से बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं और क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होता है बैक्टीरिया पे, ड्राई हीट के रिजल्ट में बैक्टीरिया में ऑक्सीडेशन हो जाती है डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स जो उसकी बॉडी के अंदर, और जो जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं उनके ऑक्सीडेशन होते हैं, और उसके रिजल्ट में बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाएंगे। जब मॉइस्ट हीट यूज करेंगे, इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट का जो उस पर इफेक्ट आता है वो है कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। बैक्टीरिया के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं वो कोएगुलेट कर जाती हैं और उसके रिजल्ट में भी बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन के रिजल्ट में आप जानते हैं उसमें जो भी इंजाइम्स होंगे या अदर वो ट्रांसपोर्ट का इफेक्ट होगा वो सारा रुक जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर यूज करते हैं रेडिएशंस, रेडिएशंस का यूज करना भी एक फिजिकल एजेंट है। अब इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, लेकिन उसके अंदर एक आपने बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखनी है, वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हैं ये बिलो 300 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है वो इसके लिए इफेक्टिव होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, और इसमें जो स्पेसिफिक रेज हैं स्पेशली जो गामा रेज हैं इसको मोस्ट कॉमनली स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में जनरली यूज किया जाता है। तो ये भी इसके अंदर रेडिएशंस का अपने इफेक्ट याद रखना है। तीसरे नंबर पे हम एक जो मेथड की बात करेंगे वो है फिल्ट्रेशन, इससे भी हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं या इसको हम
सिंपली कहते हैं कि इसमें हम एक मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते हैं, और जो फिल्ट्रेशन यूज की जाती है ये स्पेसिफिकली जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत सी प्रोडक्ट बैक्टीरिया से बनती हैं, फिर बैक्टीरिया से उनको सेपरेट करना होता है, उसके लिए फिर हम जो है वो मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते हैं। हीट सेंसिटिव कौन कौन सी होती हैं जिसमें हम ये मेथड यूज करते हैं, उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वहां उनको इस यूज जो है वो सेपरेट करने के लिए बैक्टीरिया से, बहुत सारे सीरास हैं, इसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, फिर बहुत से इंजाइम्स जो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं और बाद में उनको बैक्टीरिया से सेपरेट करना होता है, तो उसके लिए हम मेम्ब्रेन फिल्टर को यूज करते हैं। ओके, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें को आपने अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है। उसके अलावा बैक्टीरिया को सेपरेट या जो है मुख्तलिफ चीजों के लिए एक मेथड है जो कि फिजिकल मेथड के अंदर ही आता है, दैट इज अ पेस्टराइजेशन। अब ये जो पेस्टराइजेशन है इसमें जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिल्क को पेस्टराइज किया जाता है, तो जब मिल्क को पेस्टराइज करते हैं तो इसके लिए हम इसको स्पेसिफिकली क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। जब इसको हीट करेंगे तो हीट जो है वो उसका एक पूरा फिनोमेना है, उसके लिए हम इसको हीट करेंगे और हीट हम इसके लिए यूज करेंगे 71 डिग्री, एंड दैट 71 डिग्री इज यूज फॉर द 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड के लिए हम इसके 71 डिग्री यूज करते हैं, और इसी तरह से फिर फर्दर 62 डिग्री जो है वो यूज किए जाते हैं, दैट इज अबाउट फॉर द 32 मिनट्स, तो उसके बाद फिर इसको कूल कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो पेस्टराइजेशन का मेथड है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मिल्क की पेस्टराइजेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, पहले उसको गर्म किया जाता है। तो इसमें कुछ और भी स्पेसिफिक मेथड है, और एक मेथड वो भी है जिसमें हम ये देखते हैं कि उसको 140 डिग्री तक हम 33 सेकेंड्स के लिए गुजारते हैं और फिर उसके बाद उसको ठंडा कर लेते हैं, और ये सारे पेस्टराइजेशन के मेथड होते हैं। लेकिन ये दो वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने जो है वो याद रखना है। उसके बाद इसी पे हम आ जाएं तो एक मेथड डिहाइड्रेशन का भी होता है, कि अगर हम सिंपली क्या करें कि वाटर को रिमूव कर दें तो उससे भी बैक्टीरिया वहां पर अटैक नहीं कर सकते। तो इसमें स्पेसिफिकली हम फूड को, जैसे आप जानते हैं कि ड्राई कर लेते हैं और उसको उसको डिहाइड्रेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ड्राई कंडीशन की वजह से बैक्टीरिया वहां पे ग्रो ही नहीं कर सके, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। फिर मुख्तलिफ तरह के प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर लेते हैं, एडिशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। जैसे कि हम एसिड को यूज कर सकते हैं, और आप जानते हैं एसिड जब यूज करते हैं दैट विल लोअर द पीएच, पीएच लो हो जाती है, तो ये भी इसके अंदर एक मेथड यूज किया जाता है। इस तरह से हम सॉल्ट कंटेंट जो है वो यूज कर लेते हैं, जैसे आप देखते हैं कि अचार वगैरह हम जब डालते हैं तो उसके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। फिर इस तरह से कुछ केमिकल इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ चीजों को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, और उन केमिकल में एक केमिकल जो है आपने इसका नाम याद रखना है, दैट इज द पोटेशियम। ये पोटेशियम मेटाबी सल्फेट जो है वो यूज किए जाते हैं, मेटाबिसल्फेट्स, ये ऐसे केमिकल्स हैं वो, सॉरी सल्फेट की बजाय सल्फाइट है ये, इसको इस्तेमाल किया। तो ये हम प्रिजर्व कर लेते हैं मुख्तलिफ चीजें इसके जरिए, केमिकल को यूज करके हम, जैसे मैंने आपको बताया कि अचार के अंदर भी ये डाल जाता है, ठीक है, इसी तरह से मुख्तलिफ तरह की कैंडीज जो है उनको ज्यादा अरसे तक रखने के लिए, फिर जैम्स के अंदर, फिर ब्रेड में, तो इन तमाम चीजों के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फिजिकल एजेंट्स, तो जितने भी ये बात की है ये सारे फिजिकल एजेंट्स हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। अब आ जाते हैं हम केमिकल एजेंट्स की तरफ। तो केमिकल एजेंट्स में एक जो है वो है एंटीसेप्टिक्स, ये बहुत कॉमन है, और आप जानते हैं कि इसमें हम केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, और ये जो केमिकल्स होते हैं ये केमिकल्स दैट अप्लाइड ऑन द लिविंग सर्फेस, ये लिविंग सर्फेसिस पे या लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई किए जाते हैं, एक याद रखना है।
अच्छा, एक इससे मिलती जुलती काम जो है वो एंटीसेप्सिस है। ये दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। एंटीसेप्सिस जो होता है दैट इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के रिस्क को कम करना बाय यूजिंग वैक्सीन। इसमें स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स को यूज करके जो इन्फेक्शन होता है उसको खत्म करते हैं। तो ये एंटीसेप्सिस, ये दोनों में फर्क है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है डिसइन्फेक्टेंट। तो हम डिसइन्फेक्टेंट भी ये केमिकल या कुछ केमिकल्स है जिनको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ याद रखना है कि ये अप्लाई किए जाते हैं नॉन लिविंग सर्फिस पे। दे आर अप्लाइड ऑन द नॉन लिविंग सर्फिस, जैसे आप फर्श के ऊपर, कोई फर्नीचर के ऊपर, वहां पर डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो के नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम यूज करने के लिए वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं डिसइन्फेक्टेंट्स जिनको हम कहते हैं, ये मुख्तलिफ तरह के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ तरह के आपसे एग्जाम्पल पूछी जा सकती हैं, जैसा कि इसमें हैलोजिन्स यूज किए जा सकते हैं, ये भी। इसके अलावा इसमें फिनोल यूज किया जाता है, फिर इसमें जो है वो परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड। इसके अलावा इसमें KMnO4, ये भी बहुत कॉमन है जो कि यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी एज ए डिसइनफेक्टेंट यूज होता है। फिर इसमें अल्कोहल वगैरह भी आ जाते हैं जिनको डिसइनफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद एक और जो केमिकल एजेंट है उसमें हम वर्ड यूज करते हैं कीमो थेरापेटिक्स, कीमोथेरापेटिक्स। इसमें स्पेशली जो कीमोथेरापेटिक्स होते हैं ये भी उसी तरह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है इनको इस्तेमाल रोकने के लिए, और स्पेसिफिकली इसके अंदर जो केमिकल्स हैं उसमें एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाता है, और ये उनके जो ग्रोथ है उसको रोकते हैं और या उनको माइक्रो ऑर्गेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं लिविंग टिश्यूज के अंदर। तो स्पेसिफिकली इसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक जो हैं जो कॉमन है उनमें सल्फोनामाइड इस्तेमाल की जाती है, फिर इसके अंदर पेंसिलीन है, ये भी आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक है, और टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक्स हैं इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। बाकी ऊपर वैक्सीन की मैं आपको बात बता चुका हूँ कि वैक्सीन ये भी केमिकल हैं जो कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं और फिजिकल एजेंट्स हैं, इनको हम यहाँ यूज कर सकते हैं और टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। और उसमें इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि कौन से बैक्टीरिया कहाँ पर हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो ये अलहदा से आपको एक प्रोसेस जो है वो मिलेगा। तो ये हमारे पास टॉपिक था जो कि रिमेनिंग टॉपिक था इसके स्ट्रक्चर में से, तो वो हमने स्ट्रक्चर अब कंप्लीट हो चुका है नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये आपका टॉपिक यहाँ तक, आपने इसका टेस्ट जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। तो इसका मंडे वाले दिन उसका टेस्ट होगा, फिर उसके बाद टेस्ट डिस्कशन होगी। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं।